करी है उन्होंने एक बात और कही थी। अच्छा अंकुर, एक और खबर चल करके आ रही थी, जरा इस पर अपडेट दीजिए, किसी को बेल भी मिली है क्या? जी हाँ, एक एक जो बेल है वो जरूर मिली है, लेकिन वो जो बेल है वो सेशंस कोर्ट से, जो एनडीपीएस कोर्ट है उससे मिली है। मनीष राजगारिया ये इसी मामले में एक्यूज नंबर 11 है, कुछ जो टोटल एक्यूज पकड़े गए हैं उनमें से 11 नंबर का एक्यूज है, और ये 11 नंबर का एक्यूज है मनीष राजगारिया, इसको 50,000 के मुचलके पर इसको बेल मिली है। जो सेशंस कोर्ट है उसने इसको बेल दी है। अच्छा, ये बेल सेशंस कोर्ट से हुई है। इसके पास से दो 2.4 ग्राम गांजा इसके पास से बरामद हुआ था, और 50,000 का जो बॉन्ड है उसके ऊपर इसको। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कही है जज ने, एक बात पूछा कि जो अचित कुमार है, जो एक्यूज नंबर 17 है, उसका और आर्यन खान का क्या रिलेशन है? तो उन्होंने बताया मेरा जो क्लाइंट है उसका इतने जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से किसी से रिलेशन नहीं था, कोई संपर्क नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। दो लोग हैं जो कि जिनसे मेरा क्लाइंट नंबर वन जो है, एक्यूज नंबर वन जो है आर्यन खान, उसका संपर्क है। पहला तो अरबाज मर्चेंट और ये दोनों दोस्त हैं पुराने स्कूल फ्रेंड्स, और दूसरा है एक्यूज नंबर 17 अचित कुमार के बारे में जी न्यूज ने पहले भी दिखाया था कि इन दोनों के बीच में अपनी घनिष्ठता है, दोनों अच्छे दोस्त हैं आर्यन खान और अचित कुमार। आज कोर्ट में ये बात भी निकल कर आई कि अचित कुमार और आर्यन खान जब ये फॉरेन में रहते थे तो इनके बीच में ऑनलाइन पोकर गेम ये लोग खेला करते थे, इनके कई सारे चैट्स हैं, ये पुराने जानकार हैं। ठीक है, मैं राकेश त्रिवेदी का भी यहां पर रुख करता हूं। राकेश त्रिवेदी, तो फिलहाल जिस हिसाब से आज का ये आर्गुमेंट हुआ और उसके बाद बीच में अरबाज के वकील ने भी कहा कि नहीं, मुझे भी एक अलग से वक्त चाहिए कि मुझे भी सुना जाए, तो 45 मिनट वो भी अलॉट किए गए हैं। इस हिसाब से देखा जाए कल 2:30 बजे के बाद अब दोबारा से हियरिंग होगी, यहां से मैटर कहां? देखिए सचिन, आज की जो सुनवाई है, मैं आपको ये बता दूं कि जो जस्टिस सामगा है वो आमतौर पर 7 बजे तक की सुनवाई करने के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने जो है आज ये तकरीबन 6 बजे के आसपास जब अरबाज मर्चेंट के वकील से अमित देसाई से पूछा कि आज आपको कितना वक्त और चाहिए, तो उन्होंने कहा 45 मिनट का वक्त और चाहिए, तब इसलिए जो है ये सुनवाई आज की एडजर्न कर दी गई और उसे कल के लिए रखा गया। अब ये उम्मीद की जा रही कि कल 2:30 बजे जब इस मामले की सुनवाई होगी तब अमित देसाई जो है वो सबसे पहले अपनी दलील रखने की शुरुआत करेंगे, और 45 मिनट तक यानी कि तकरीबन 3:15 बजे तक जो है वो अपनी दलील पेश करेंगे, और उसके बाद जो मुनमुन धमेचा के जो वकील हैं, यानी कि इस मामले में 3 आरोपी हैं सिर्फ, और तीसरे जो आरोपी हैं मुनमुन धमेचा, उनके जो वकील हैं वो 3:15 बजे के आसपास अपनी दलील रखने की शुरुआत कर सकते हैं, तकरीबन आधे से पौना घंटा उनका भी वक्त होगा, और यह उम्मीद की जा सकती है उसके बाद कि 4 बजे जो है एएसजी अनिल सिंह एनसीबी का पक्ष रख सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक 2 घंटे में क्या एनसीबी अपनी दलील कंप्लीट कर पाती है या नहीं। अगर वो अपनी दलील कल ही कंप्लीट कर लेते हैं तो हो सकता है कि इसके बाद में वापस से जो है बहस एक शुरू होती है बचाव पक्ष और जो है कहीं ना कहीं सरकारी पक्ष के बीच में, और वो जो आर्गुमेंट होती है वो तकरीबन 15 मिनट आधे घंटे की भी हो सकती है। ऐसे में कल जो है दोनों ही पक्षों की बहस पूरी हो सकती है, लेकिन अगर एएसजी अनिल सिंह कहते हैं कि उन्हें बहस के लिए और वक्त चाहिए तो एक बार फिर से ये मामला कल के बाद भी अगली तारीख के लिए टल सकता है। लेकिन यहाँ पर राहत की बात आर्यन खान के लिए यह है कि दिवाली के लिए हाईकोर्ट जो है वो लंबी छुट्टी पर जाने से पहले अभी भी उनके पास 3 से 4 दिन का वक्त है, और 3 से 4 दिनों के भीतर मुमकिन है कि ये हियरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन इस पर सबकी निगाह इस बात पर टिकी होंगी कि बॉम्बे हाईकोर्ट जो है, जो जस्टिस सामगे हैं, वो दोनों पक्षों की सुनने के बाद अपना फैसला क्या वो जल्द से जल्द सुनाते हैं या उसे रिजर्व रखते हैं या छुट्टियों के बाद के लिए रखते हैं। तो फिलहाल जो सबसे बड़ी जो नजर होगी वो कल कि क्या दोनों ही पक्षों की जो दलील है वो कल अगर 4 बजे तक खत्म हो जाती है तो उसके बाद दोनों ही आरोपियों की, तो क्या उसके बाद एएसजी अनिल सिंह वो अपनी जो दलील है बहस है उसके लिए कितना समय लेंगे, इस पर डिपेंड करता है कि आर्यन खान को और कितना लंबा समय आर्थरगढ़ जेल में बिताना पड़ सकता है। सचिन, तो अगर इस तरह के आर्गुमेंट, मुझे एक चीज और बताइए यहां पर अंकुर, क्योंकि बेस वही है एनसीबी का, अगर हम कहा जाए तो एनसीबी ने जो अपना जवाब रखा है उसका आधार